एक बात तो आपने जब उन्हें पनिश कर दिया है तो आप उसी चीज के लिए दोबारा पनिश नहीं कर सकते। यानी अगर हम एक बार सजा काट लिए तो हम जज साहब के सामने 10 बार घूमेंगे, जज साहब हम ही हैं, मर्डर किए थे, 10 साल जेल में आए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता आपको, जज साहब कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद क्या कहा गया कि आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, इसके लिए आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि आप खुद के विरुद्ध गवाही दीजिए। यहाँ ध्यान से समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, खुद के विरुद्ध आपको गवाही देने के लिए मजबूर कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए पुलिस के सामने दिया गया बयान बेवकूफी कोर्ट में सबूत के तौर पे नहीं माना जाता है। इसलिए जब भी पकड़िएगा पुलिस रिमांड पर ना, तो पुलिस बड़ी पीटती है, कहती है मैंने किया है किया है, तो आप चुपचाप बोल दीजिएगा हाँ 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 एकदम, नहीं तो बड़ी पीटेगा सब। और कोर्ट में जाके कही साहब हमको आप पुलिस रिमांड पर मत भेजिए, जुडिशियल रिमांड पर भेज दीजिए, जेल में भेज दीजिए, पुलिस के पास मत भेजिए, जेल पुलिस अलग होती है वहाँ पर। कोर्ट भी जानती है कि पुलिस पीट पाट के उगलवा लेती है, खास करके तो इंडिया की पुलिस, इंडिया की तो पुलिस क्या पूछिए नहीं। एक बार क्या हुआ ना, जापान की पुलिस, अमेरिका की पुलिस और ब्रिटेन की पुलिस और भारत की पुलिस, ये 4 पुलिस वाले थे सब, US के थे सब, ब्रिटेन के, जापान के और इंडिया वाले। अब इसमें शर्त लग गया कि किसकी पुलिस अच्छी है, तो एक बात शर्त लगाया गया, एक बहुत घना जंगल था, उस घने जंगल में एक खरगोश को छोड़ दिया गया और छोड़ने के 1 घंटा बाद जापान के पुलिस को कहा गया कि तुम पता करो। तो अब भाई उस घने जंगल में खरगोश कहाँ घुस गया है, लेकिन पुलिस गई वहाँ पे, पता की, कैमरा निकाली, सैटेलाइट से देखी, ये वो करके, ये पुलिस जो थी ना 4 घंटे में पता लगा दी कि खरगोश कहाँ है, खरगोश को लेके चले हैं, जबकि खरगोश कितना तेज भागता है। सेम वही सिलसिला अपनाया गया ब्रिटेन के साथ, इसे भी खरगोश छोड़ के कहा गया, ये गया तो ये 2 घंटा में पता कर लिया। अमेरिका की पुलिस को कहा गया कि भाई आप पता कीजिए, तो खरगोश छोड़ा गया, दूसरा खरगोश दूसरी ओर छोड़ा गया, 1 घंटा बाद ये पता, 1 घंटा तक उसको खरगोश को भागने दिया गया जंगल में, कहाँ भाग गया। अमेरिका को कहा गया जो 10 मिनट में खोज दिया, तुरंत सेटेलाइट लगाया, देख लिया कहाँ कहाँ भागा यहाँ पर। अब बारी आई भाई इंडिया के पुलिस की, कि इंडिया की पुलिस को चेक किया जाए कि इंडिया की पुलिस कितने देर में खोजेगी। बस अब इंडियन पुलिस के सामने जब मैटर गया, तो जब खरगोश को छोड़ दिया गया 1 घंटा बाद, अब ये 1 घंटा खरगोश अंदर घुस गया, ये घुसे जंगल में कि देखे खरगोश कहाँ है। ससुरा सब ये 1 महीना तक जंगल में से वापस ही नहीं आया सर इंडिया की पुलिस। अब बाकी देश वाले घबरा गए सब कि भाई ये तो जंगल में गए थे सब खरगोश खोजने, 1 महीना हो गया ये लौटे क्यों नहीं सब, इन सबको कोई शेर भालू तो नहीं खा गया। अब इंडिया की पुलिस को खोजने के लिए बाकी देशों की पुलिस आई, तो उन्होंने देखा कि घने जंगल में बांस में इस तरह लगा के और इसमें एक सुअर लटकाए थे सब, इंडिया के पुलिस वाले सुअर लटका दिए थे सब, और बांस लेकर 1 महीना से इस सुअर को बेरहमी से पीट रहे थे सब, 2 ठो मिल के पीट रहा था, एक ठो कह रहा था सुअर से कि बोलो बोलो कि मैं ही खरगोश हूँ, मैं सुअर नहीं मैं खरगोश हूँ, इसी से उगलवा रहा था सब मैं खरगोश हूँ। ये है इंडिया की पुलिस, बाहर में गया सबूत ससुरा, इतना ना मार मार दो कि लोग कहते हैं यार इससे तो अच्छा दूसरा सजा रह जाएगा। इसीलिए संविधान में कहा गया है कि आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 20 है।